हेलो गाइस, मैं हूं कुश और ज़्यादातर लोगों ने कंडेंसर तो देखे ही होंगे जो पंखर और कूलर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता इस कंडेंसर के अंदर होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इनको खोल के दिखाएंगे कि अंदर की क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस, आप ऐसा घर में कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा। सो गाइस, देखिए कंडेंसर कट चुका है और इस कंडेंसर कुछ हमारा अंदर से इस तरह दिखता है। सो गाइस, ये है एक सेल जिससे वायर जुड़ी पड़ी है और अंदर है कुछ ब्लैक ब्लैक ऐसा। तो ये है हमारे कंडेंसर के अंदर का सामान। दूसरा कंडेंसर काट कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या निकलता है। सो गाइस, अब इस कंडेंसर को हम आपको पूरा काट के दिखाएंगे कि इस कंडेंसर के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या चीज़ है। तो शुरू करते हैं काटने कंडीशनर को। तो गाइस, फाइनली पूरा हमारा ये कंडीशनर कट चुका है और ये रहा वो ब्लैक ब्लैक जिसकी हमने आपको दिखाने की बात की थी। ओ गाइस, इसमें तो कुछ पाउडर है वाइट वाइट, और ये रहा वो ब्लैक ब्लैक जिसकी हमने आपको बात कही थी। ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल जो इस कंडेंसर में अंदर लग रहे थे, और ये कुछ ऐसा पाउडर है जो इस कंडेंसर के अंदर भरा पड़ा था। तो ये था गाइस इस कंडेंसर के अंदर का सामान पूरा। तो दूसरा कंडेंसर काटते और देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है। सो गाइस, ये रहे बाकी के वो कंडेंसर जिसे हम आपको काट के दिखाएंगे कि इनके अंदर क्या है। इससे पहले इसको हटा देते हैं। ये शुरू करते हैं इस बड़े वाले कंडेंसर को काटना। सो गाइस, फाइनली हमने इस बड़े वाले कंडेंसर को भी काट लिया है और खोलते हैं इसको अंदर, इसके अंदर क्या है। तो गाइस देखिए, खुल चुका है और इसके अंदर तो गाइस ये तो पूरा सील्ड है, तो इसको भी काटना पड़ेगा। सो गाइस, इस कंडेंसर को हमने यहाँ से तो काट लिया है, लेकिन ये कंडेंसर यहाँ से बिल्कुल पैक है, तो इसलिए हमें इसको पूरा काटना पड़ेगा। तो काटते चलो। सो गाइस, फाइनली इस कंडेंसर को हमने काट लिया, लेकिन देखिए गाइस, इस कंडेंसर का सिर्फ अभी कवर हटा है। जो वो सेल थे जैसे पुराने वाले कंडेंसर में, वो अभी इसके अंदर है, तो उसके लिए हमें इसको भी काटना पड़ेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे लेकिन एक वायर जा रही है, तो फिलहाल इसको काट के देखते हैं इसके अंदर क्या है। शुरू करते हैं गाइस इसको काटना, देखते हैं क्या है इसमें। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कंडेंसर पूरी तरह से कट चुका है, जो कि ये पीले पीले जो क्ले थी इससे कवर था। देखते हैं, ये था इस कंडेंसर के अंदर। देखिए गाइस, ये पोलोथीन, ये रैप हुई पड़ी है इसमें पूरी तरह से, ये इस पोलोथीन से रैप है। देख गाइस, ये पोलोथीन धीरे धीरे करके हटती जा रही है सारी, पूरी एक थिन लेयर की पोलोथीन है एक तरह से। बस देखिए कितनी लेयर है इसकी। सो गाइस, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार ये पूरा सेल कट चुका है, और ये सेल कटने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ ब्लैक ब्लैक सा इस तरह से दिखता है। सो गाइस, ये था आज की हमारी वीडियो में। इसी तरह मज़ेदार एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए।